Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Stockholm Convention. So we will know Stockholm Convention about the 18th meeting of the Persistent Organic Pollutant Review Committee concluded. Now in the past, the 18th meeting was Persistent Organic Pollutant Review Committee has concluded on POP. What is the highlight? It listed Decroen Plus Flame Retardant and Ultraviolet 328 Stabilizer under Annexer A of the Stockholm Convention. इसने लिस्ट किया है जो आपका डेक्लोरन प्लस है फ्लेम रिटार्डेंट और अल्ट्रावायलेट 328 स्टेबलाइजर को एनेक्सर ए में स्टॉकहोम कन्वेंशन के डिफर दिस कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रिस्क प्रोफाइल ऑन क्लोरीपाइरोलिप्स आफ्टर मेंबर्स वे आर अनेबल टू एग्री दैट द पेस्टिसाइड वाज लाइकली टू लीड टू एडवर्स इफेक्ट. वो डिफर कर रहे थे इसके कंसिडरेशन को लेकर जो ड्राफ्ट रिस्क प्रोफाइल है क्लोरीपाइरोफॉस का मेम्ब्रेन जो है वो एग्री नहीं किए पेस्टिसाइड को लेकर कि वो एडवर्स इफेक्ट करते हैं. स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम पीओपी. जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये आपका एक ग्लोबल ट्रीटी है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से. इट इज लीगली बाइंडिंग एंड रेटिफाइड बाई इंडिया इन 2006. इन व्यू ऑफ द रेटिफिकेशन इंडिया नोटिफाइड रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल 2018 अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और ये लीगली बाइंडिंग है इसको रेटिफाई किया गया था भारत के द्वारा 2006 में और इसके जो रेटिफिकेशन है उसके बाद इंडिया ने नोटिफाई किया रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल 2018 को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत. परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऑल्सो कॉल्ड फॉरएवर केमिकल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल बायोलॉजिकल एंड फोटोलाइटिक प्रोसेस. जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है पीओपी जिसको कि हम फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि रेजिस्टेंस होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से चाहे वो केमिकल बायोलॉजिकल या फोटोलिटिक प्रोसेस हो. अदर सिमिलर ट्रीटी इस जैसा और जो ट्रीटी आपका तो बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारदत वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल 1989. जो बेसल कन्वेंशन है आपका ये कंट्रोल करने के लिए है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को हजारदत वेस्ट और उसके डिस्पोजल के लिए 1989 का. रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट प्रोसीड्यूर फॉर सर्टन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड 1998. और जो आपका रोटरडैम कन्वेंशन है प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट प्रोसीड्यूर को लेके कुछ हैजार्डस केमिकल के लिए और पेस्टिसाइड के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को ऊपर 1998 का ही आपका ये सारे कन्वेंशन कौन सा किस लिए है कब किस ईयर में आया था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिसिन नोबल. तो मेडिसिन के लिए नोबल किसको दिया गया 2022 में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका क्या अचीवमेंट ये सब हमें पता होना चाहिए. द स्वीडिश साइंटिस्ट स्वंटे पाबू हैज बीन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी फॉर द ईयर 2022 फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. जो स्वीडिश साइंटिस्ट आपका स्वंटे पाबू उनको दिया गया है नोबल प्राइज उनके फिजियोलॉजी के लिए ईयर 2022 के लिए जो उन्होंने डिस्कवर किया है जो जीनोम्स है एक्सटिंक्ट होमिन्स और ह्यूमन इवोल्यूशन के पीछे. स्वंटे पाबू फाउंड दैट जीन ट्रांसफर हैड ऑकर्ड फ्रॉम दिस नाउ एक्सटिंक्ट होमिन्स टू होमो सेपियन. दिस एंशिएंट फ्लो ऑफ जीन्स टू प्रेजेंट द ह्यूमन हैज फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस टूडे फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिंग हाउ आवर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू इन्फेक्शन. स्वंटे पाबू जिन्होंने फाउंड किया था कि जो जीन ट्रांसफर है ये ऑकर किया था वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ह्यूमन से होमोसेपियन पे. ये जो एंशियंट फ्लो हुआ था जीन्स का आज के ह्यूमन पे इसका फिजियोलॉजिकल रिलीवेंस है ये इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को जो कि रिएक्ट करते हैं इन्फेक्शन के खिलाफ. क्या अचीवमेंट है तो पेलियो जीनोमिक थ्रू इज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च स्वंटे पाबू एस्टेब्लिश एन इंटायरली न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन पेलियो जीनोमिक. अपने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के माध्यम से स्वंटे पाबू ने एस्टेब्लिश किया है कि इंटायरली न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन को पेलियो जीनोमिक्स के लिए. सिक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ द नियनडर्थल एन एक्सटिंक रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन. उन्होंने सिक्वेंस किया है जो जीनोम है नियनडर्थल का जो कि एक एक्सटिंक रिलेटिव है आज के समय के ह्यूमन के. न्यू पावरफुल मेथड फॉर सिक्वेंसिंग एनालिसिस इंडिकेट दैट आर्काइक होमिनियन मे ऑल्सो हैव मिक्स विथ होमो सेपियन इन अफ्रीका. जो नया पावरफुल मेथड है सिक्वेंस का ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आर्काइक होमिनियन है इसका मिक्स था होमो सेपियन के साथ अफ्रीका में. सिग्निफिकेंस क्या होगा इनके डिस्कवरी का विल हेल्प बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन. ये मदद करेगा अच्छे से समझने में ह्यूमन के इवोल्यूशन को और माइग्रेशन को. हाउ आर्किक जीन इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है ह्यूमन ये बताएगा कि किस तरीके से जो आर्किक जीन था वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आज के ह्यूमन को. जैसे आपको एग्जाम्पल समझ सकते हैं टेंशन वर्सन जो है जीन ईपीएस वन का ये कन्फर करता है एडवांटेज को सर्वाइवल पे हाई एल्टीट्यूड के लिए और ये कॉमन प्रेजेंट होता है तिब्बतन लोगों पे.
नियर डॉर्सल जिन जो है ये इफेक्ट करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे अलग अलग टाइप से इन्फेक्शन पे. नियर डॉर्सल आर इन एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमन हु लिव्ड इन यूरेशिया अंटिल अबाउट 40,000 ईयर अगो. जो नियर डॉर्सल थे वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज है आर्किक ह्यूमन के जो कि रहते थे यूरेशिया पे 40,000 ईयर पहले. लास्ट ईयर रेसिपेंट वेयर डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटोपोटियन फॉर दियर डिस्कवरी इन टू हाउ द ह्यूमन बॉडी परसीव टेम्परेचर एंड टच. और जो लास्ट ईयर का ये अवार्ड था ये आपका दिया गया था डेविड जूलियस और आर्डम पेटोपोटियन को उनके डिस्कवरी के लिए कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वो परसीव करता है टेम्परेचर और टच को. नोबेल प्राइज जो है ये आपका कैरी करता है अवार्ड 10 मिलियन स्वीडिश करोन का जो कि आपका इक्विवेलेंट होता है 9 लाख डॉलर का. ये जो मनी है वो प्राइज क्रिएटर स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है जिनका मृत्यु हो चुका था 1895 पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत स्किल फॉर्म. हम जानेंगे भारत स्किल फॉर्म के बारे में. इट इज ए डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर दी ITI ट्रेनी ट्रेनर एंड इंडस्ट्री लॉन्च बाई दी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये एक डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ITI ट्रेनी ट्रेनर और इंडस्ट्री के लिए. इसको लॉन्च किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत. इट विल फैसिलिटेट स्किलिंग बाय शेयरिंग कंटेंट इन वेरियस फॉर्म लाइक नोट PDF एंड वीडियो. ये मदद करेगा स्किल करने में शेयर करके कंटेंट को अलग अलग फॉर्म से जैसे कि नोट हो गया PDF हो गया वीडियो हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रचंड. हम जानेंगे प्रचंड के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड द फर्स्ट फ्लीट ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विच हैव बीन डेवलप्ड प्राइमरली फॉर माउंटेन वॉरफेयर. तो जो आपका प्रचंड है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको डेवलप्ड किया गया है मेनली माउंटेन वॉरफेयर के लिए. इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर एंड द रिसेंट लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना दैट इंडिया फेल्ट द नीड टू अटैक हेलीकॉप्टर फॉर माउंटेन वॉरफेयर. ये जो था जो आपका 1999 के समय जो कारगिल वॉर हुआ था जो भी आपका रिसेंट लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ उस समय इंडिया को महसूस हुआ आवश्यकता अटैक हेलीकॉप्टर के माउंटेन वॉरफेयर के लिए. फीचर क्या है इस प्रचंड हेलीकॉप्टर का. दी HAL प्रचंड मीनिंग फायर्स इज एन इंडियन मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट LCS. जो HAL है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का प्रचंड जिसका मतलब फायर्स होता है ये इंडिया का मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा. जो प्रोजेक्ट है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उसके अंतर्गत. इट फ्लाइट सीलिंग मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड इज द हाईएस्ट अमंग ऑल अटैक हेलीकॉप्टर इन दी वर्ल्ड. और इसका जो फ्लाइट सीलिंग मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड है ये हाईएस्ट है सारे अटैक हेलीकॉप्टर में से वर्ल्ड का. दी LCS ड्यू एक्सटेंसिवली ऑन एन अर्लियर इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर बाई HAL द ALS ड्रो. जो HLS है ये ड्रो करता है एक्सटेंसिव जो इसका प्रीवियस इंडिजिनस हेलीकॉप्टर था जिसको डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर किया गया था HAL के द्वारा जो आपका ALS ड्रो था. 8-ton twin engine gunship chopper is armed with air-to-air missile, 20mm turret gun, rocket system and other weapon. और ये जो आपका 8-ton twin engine gunship chopper है ये armed है आपका air-to-air missile से 20mm की इसमें turret gun लगा हुआ है rocket system है और other weapon बीच में इंस्टॉल है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्ता रामानुजन प्राइज 2022. हम जानेंगे जो सस्ता रामानुजन प्राइज है 2022 का इसके बारे में. सस्ता रामानुजन प्राइज फॉर 2020 विल बी अवार्डेड टू यंगटिन टैंग असिस्टेंट प्रोफेसर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली USA. जो सस्ता रामानुजन प्राइज है 2022 का ये आपका दिया गया है यंगिंग टोंग को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली USA पे. तो किसका दिया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. यंगिंग टोंग को क्यों दिया गया है. डिस्प्ले रिमार्केबल कॉम्बिनेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इन विच अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉडुलर कर्व्स एंड ऑफ सिमिलर वेराइटी प्लेज एक सेंट्रल रोल. इन्होंने डिस्प्ले किया था एक रिमार्केबल कॉम्बिनेशन को सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्री जो था मॉडुलर कर्व का सिमुला वेराइटी का ये एक सेंट्रल रोल निभा रहा था. उनके जो रिजल्ट थे मेथड थे वो बाउंड थे एक मेजर इम्पैक्ट डाल रहा था फ्यूचर रिसर्च के ऊपर. सस्ता रामानुजन प्राइज के बारे में हम जान ले. ये अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय दी समुंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी सस्ता इन 2005 विथ ए कैच प्राइज ऑफ $10,000. ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था समुंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी सस्ता के द्वारा 2005 में जिसमें कैच प्राइज है आपका $10,000 का. इट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल एज 32 एंड बिलो विच मेक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय श्रीनिवास रामानुजन. और ये दिया जाता है हरेक साल इंडिविजुअल को जिनका एज 32 व उससे कम है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो मैथमेटिक्स के फील्ड पे और इन्फ्लुएंस हो वो श्रीनिवास रामानुजन से.
श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भी हम जान लें। रामानुजन वॉज बॉर्न ऑन 22 दिसंबर 1887 इन ए विलेज इरोड 400 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई देन नोन एज मद्रास। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में जो विलेज आपका इरोड वहां पे हुआ था, 400 किलोमीटर ये आपका अवे है चेन्नई से, जिसको कि उस समय मद्रास के नाम से जानते थे। रामानुजन मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर एंड वर्क ऑन एलिप्टिक फंक्शन। रामानुज ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया था एनालिटिक्स थ्योरी के ऊपर नंबर का, और उन्होंने काम किया था एलिप्टिक फंक्शन के ऊपर भी। ही ऑल्सो वर्क ऑन द पार्टीशन ऑफ द होल नंबर, हाइपरजोमेट्रिक सीरीज एंड यूलर कॉन्स्टेंट। और उन्होंने काम किया था पार्टीशन ऑफ होल नंबर के ऊपर, हाइपरजोमेट्रिक सीरीज और यूलर कॉन्स्टेंट के ऊपर। इन इंडिया December 22 इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। और December 22 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे श्रीनिवास रामानुजन के मेमोरी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओवर 69% हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इन रूरल इंडिया और ओन बाय वुमेन। तो 69% कंस्ट्रक्ट किया गया है हाउस को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रूरल एरिया पे, इसको ओन किया गया है वुमेन के द्वारा। तो हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, इसको पहले भी हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। तो जो आपका डाटा भी निकल के आया कि 69% हाउसेज जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये आपका प्राइम मिनिस्टर स्पेशल हाउसिंग स्कीम था। पूरी तरीके से या जॉइंटली इसको ओन किया गया है वुमेन के द्वारा रूरल एरियाज पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल हु आर हाउसलेस एंड लिविंग इन डायरेक्टेड हाउसेस इन रूरल एरिया बाय 2022। ये प्रोवाइड करेगा पक्का हाउस को सारे लोगों को जो कि हाउसलेस हो व रह रहे हो डायरेक्टेड हाउसेस में रूरल एरिया में 2022 का लास्ट तक इसका टारगेट है। टारगेट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 95 करोड़ हाउसेज विद ऑल बेसिक एमिनिटीज बाय द ईयर 2022। इसमें कहा गया कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 95 करोड़ हाउसेज को जिसमें सारे बेसिक फैसिलिटी हो 2022 के एंड तक। कॉस्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें, द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इन द स्कीम इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 60:14 प्लेन एरिया एंड 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। जो कॉस्ट शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, तो आपका 60:40 होगा प्लेन एरिया के लिए और 90:10 होगा नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन एरिया के लिए। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा बेनिफिशियरी का, बेस्ड ऑन हाउसिंग डिप्राइवेशन पैरामीटर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 सब्जेक्ट टू 13-पॉइंट एक्सक्लूजन क्रिटेरिया फॉलोड बाय ग्राम सभा वेरिफिकेशन। तो सिलेक्शन होगा बेनिफिशियरी का वो हाउसिंग डिप्राइवेशन पैरामीटर के ऊपर होगा जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें 13-पॉइंट एक्सक्लूजन क्रिटेरिया होगा जिसको फॉलो किया जाएगा ग्राम सभा वेरिफिकेशन के माध्यम से। बेनिफिशियरी इज इंटाइटल टू 90 डेज ऑफ अनस्किल लेबर फ्रॉम मनरेगा। जो बेनिफिशियरी होंगे उनको 90 डेज का अनस्किल लेबर वर्क मिलेगा मनरेगा से। बेनिफिशियरी को फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको लोन मिलेगा अप टू 70,000 तक का ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके हाउस को जो कि ऑप्शनल है। मनरेगा टू फंड वर्क टू रिवर्स डाइवर्सिफिकेशन, मनरेगा फंड करने के लिए वैसे वर्क को ताकि रिवर्स किया जा सके डाइवर्सिफिकेशन को। तो हम जानेंगे इसके बारे में, गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो कन्वर्जेंस करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। की हाईलाइट इसका क्या है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास जिसको पब्लिश किया गया एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में। इसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 30% जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपका डिग्रेडेड लैंड के कैटेगरी पे आ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। स्टेट विथ मोर देन 50% ऑफ लैंड आर अंडर गोइंग डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन। जो स्टेट जहां पे जो लैंड आपका 50% हुआ उससे अधिक डेजर्टिफिकेशन व डिग्रेडेड लैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टेट का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा। स्टेट विथ लेस देन 10% लैंड डिग्रेडेशन, स्टेट जहां पर लेस है 10% से कम लैंड डिग्रेडेशन का कौन कौन सा है, केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, मोर देन 50% और लेस देन 10%। वर्क अंडर डन अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो वर्क किया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, तो रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नर्सरी रेजिंग, अफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल डेवलपमेंट। ये सारे चीज है जो कि किए जाएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। मनरेगा के बारे में हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है, मनरेगा है क्या, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था एक सोशल मेजर के तौर पर जो कि गारंटी करता है राइट टू वर्क को। लोकल गवर्नमेंट जो है वो लीगली प्रोवाइड करेंगे कम से कम 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया पे ताकि इनहेंस किया जा सके उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। की ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। यानी वो जनरेट करेंगे पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट को जो कि 100 डेज से कम नहीं होना चाहिए हर एक वर्कर के लिए जो कि वॉलंटरी अनस्किल्ड लेबर करने को तैयार हो। क्रिएट किया जाएगा इससे ड्यूरेबल एसेट को रूरल एरियाज पर जैसे कि वेल, पॉन्ड, रोड, कैनाल्स को। ये रिड्यूस करेगा अर्बन माइग्रेशन को रूरल एरिया से। एलिजिबिलिटीज के लिए क्या है, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए नरेगा के बेनिफिट लेने के लिए।
जॉब सीकर का उम्र जो है वो 18 साल कम से कम हो जाना चाहिए जब वो अप्लाई करेंगे। एप्लीकेंट जो है वो आपका लोकल हाउसहोल्ड होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन जो है लोकल ग्राम पंचायत में ही आपको करना होगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।